फिर प्लस लिखेंगे, फिर 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर?
अब देखते हैं कि एक ऑड नंबर है ये एक इवन नंबर है। वैसे तो ये फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू, तो और सबट्रैक्शन आ रही है, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 और 30। अब क्या करना है, आपने 30 को डिवाइड करना है बाय 3। जब 30 को डिवाइड किया जाएगा आंसर आएगा 10। 10 आपने यहां पर लिख देना है। फिर ये इसके जो डिनोमिनेटर था इसका नॉमिनेटर क्या रहा, 13। फिर 13 ब्रैकेट में लिखे, फिर माइनस, फिर 30 को 10 पर डिवाइड करें, आंसर आएगा 3। फिर आपने ये वाला 7 को स्पेशल लिख देना है। फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 13 130, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आर 21। अब 130 माइनस 21 क्या आएगा, 109। जैसे ही हम ब्रैकेट के अंदर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये ब्रैकेट जो भी यूज हो रही होंगे वो हट जाएंगे। 109 ओवर 30। अब इसका अगेन एलसीएम लेंगे क्योंकि 10 है और ये 30 है, इसको साइड पर लाइन लगा के फ्रैक्शन के जरिए आप एलसीएम लेंगे तो ये 30 आएगा। फिर 10 जो है इसका टेबल पढ़ेंगे, 30 को डिवाइड करें 10 पर तो 3 आएगा, क्योंकि 10 3 से 30 होता है, तो 3 यहाँ लिखेंगे ऊपर वाली वैल्यू वैसे 71। फिर प्लस 30 और 30, जब डिजिट और डिजिट एलसीएम का सेम हो जाएगा आपने 109 को वाला नंबर ऐसे लिख देना है 109। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 71 213 प्लस 109 213 और 109 को ऐड कर दें 322 बाय 30 लिया था मैं। अब 322 को डिवाइड करें, 322 डिवाइड बाय 30, 31 और 30 तो आंसर क्या आएगा इसका, ये आ जाता है 22। तो चूंकि रिमाइंडर 32 माइनस 30 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो अब क्या करना है आपने, यहाँ पर 2 लिख दें, यहाँ पर 22। तो जब इसका आंसर लिखेंगे, पहले हमने ये फॉर्मूला आंसर लिखते हो तो 1 × 22/30, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके जी, लेक्चर कंप्लीट हो गया आपका। ओके जी बेटा, दोबारा देखें, ये हमने किया है 3 322 है, तो 31 30 32 माइनस 30 तो 2 बचना है, 2 ऊपर से यहाँ नीचे आ जाएगा। तो जब आप इसको आंसर कंबाइंड फॉर्म में लिखना है तो 1, चूंकि पहले हम आंसर लिखते होते हैं 1 × 2, फिर हम रिमाइंडर लिखते हैं, तो ये 22 है, 22/30। तो ये आपका क्या है, आंसर है आपके सेकेंड क्वेश्चन का। ऑल राइट स्टूडेंट, टॉपिक कम्प्लीट हो गया आपका। अल्लाह हाफिज़।